हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दम का कीमा मटर। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी, आधा किलो कीमा हड्डी वाला, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, साबुत धनिया लिया है हमने, वो लिया है 1/2 टीस्पून, उसको कूट लिया है। हमें चाहिए मटर, पिसा हुआ गरम मसाला, टमाटर 3 लिए, कोयला, हरा धनिया 4 से 5, हमें हरी मिर्ची चाहिए होंगी, प्याज चाहिए होगी, 2 प्याज मैंने ले लिए और इस तरह काट लिए। चलाएं प्याज को ब्राउन करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं हम। प्याज हमने डाल दिए और इसको हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन। अब हम साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। अब इसमें कीमा ऐड कर देंगे। अच्छी तरह भुनेंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको भूनेंगे। अच्छी तरह भुन गया है। अच्छी तरह ये देखें भुन चुका है हमारा। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर इसमें शामिल कर दिए हमने। अब इसमें 2 ग्लास पानी डाल के हम इसको पकने देंगे ताकि हमारा कीमा गल जाए। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चेक करते हैं इसको। अच्छी तरह इसको भूनते हैं। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। मटर शामिल कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह भूनते हैं मटर डाल के, ताकि हमारी मटर भी गल जाए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में ही मटर गल जाएगी।
अच्छी तरह हमारा भून गया है और मटर भी हमारी अच्छी तरह गल गई है, तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, दो मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे फिर डिश आउट करेंगे। दो मिनट हमारे हो गए, हमारा कीमा तैयार है। अब हम इसको दम लगाएंगे कोयले का, तो हम ये रखेंगे साइड पे, कोयला रखेंगे, इसको कवर कर देंगे एक दो मिनट के लिए। हाँ, अब हमारा दम हो चुका होगा, हम डिश आउट करते हैं। इसको डिश में निकालते हैं, इसको डिश में निकालते हैं। हमने डिश में निकाल लिया है, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। देखिए हमारा दम का कीमा तैयार है। अब आप लोग बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा बना और कैसा लगा है।